नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम विराट 24 न्यूज चैनल के मुख्य कार्यालय का शुभारंभ करने पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। श्री गौतम रीवा स्थित लोटस टावर में नवीन कार्यालय और स्टूडियो का भव्य लोकार्पण किए। इस दौरान काफी संख्या में पत्रकार और प्रशासनिक अमले के साथ जनसंपर्क अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कार्यालय पहुंचकर फीता काटा और माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर गणेश जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद स्टूडियो का शुभारम्भ किया, जहाँ हमारे नए कार्यक्रम विराट शख्सियत के पहले विराट शख्सियत के रूप में मौजूद होकर अपनी पढ़ाई से लेकर राजनीतिक संघर्ष के साथ विधानसभा अध्यक्ष के गरिमा पद तक पहुंचने में किए गए संघर्षों की चर्चा की। साथ ही प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों के साथ वर्तमान में राजनीतिक उठापटक, वर्तमान की राजनीति के साथ साथ कई मुद्दों पर हमारे एडिटर इन चीफ रामानंद पांडे से चर्चा की। शगुन शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोपदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः। हरि ओम मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सहस्रपूर्ण हरि ओम मां सहस्रपूर्खा सहमरि ओम मां सहस्रपूर्खा सहस्राक्षोत्रपादूर्ध उदयदपुर सने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुखः स जातो अतरिष्यत पश्चात भूमिर्मथो पुरा। ओम हरि ओम मां शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद व्यापिनीं व्याम वीणां पुस्तक धारिणीं उदां जर्दंडकारा ब्रह्म हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधे पद्मासने संस्थितां वन्दी। पूजा सिंह लीजिए 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 सब आने चलिए चलिए क्या करना है मनीष तुम भी मनीष कैमरा संभाल लो। यस ओके साथ में कोई जो बाहर है उनको हम बाहर है उधर बोल दो आप। सुनो शर्मा जी आया। आइए आपको मिलाते हैं विराट शख्सियत विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से और सुनते हैं उनकी शिक्षा से लेकर विधानसभा अध्यक्ष पद तक पहुंचने के सफर की पूरी कहानी। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल कार्यक्रम विराट शख्सियत में मौजूद है मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सब सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि अपने देश प्रदेश के उन विराट शख्सियतों से दर्शकों को रूबरू करवाऊं, जिन्होंने अपनी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा देश प्रेम की भावना के साथ अपने कर्तव्य पथ पर सफलता प्राप्त की है। अध्यक्ष जी से पहले जानेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई और वकालत तक का जो सफर रहा तो कैसा रहा?
दर्शक जानना चाहते हैं? हमारी प्राथमिक शिक्षा, जिसको अपन ये कहते हैं प्राइमरी स्कूल में जाना, मनगमा बस्ती में स्कूल था, उसमें क्योंकि मनगमा से लगा हुआ मेरा गांव था, वहां से प्राइमरी किया, वहीं से जूनियर किया, वहीं से दसवीं पास किया, फिर यहां आकर के 11वीं 12वीं में मार्तंड स्कूल में आए, फिर साइंस कॉलेज रीवा में गए, फिर जा कर के TRS कॉलेज में वकालत का LLB पास किया, वकालत का लाइसेंस किया, और 76 में लाइसेंस आया, उसके बाद से वकालत भी शुरू किया, बीच में छोड़ दिया, कभी छोड़ते थे कभी करते थे, इस तरह से क्योंकि राजनीतिक सक्रियता के कारण बार बार संघर्षों में उतरना पड़ता था, जेल जाना पड़ता था, इसलिए उतना वकालत का चांस नहीं बनता था, फिर भी अपन करते रहे। भी 86 से नियमित तौर पर दोनों का सामंजस्य बैठा करके वकालत का क्षेत्र भी और राजनीति में सड़कों में आंदोलन का क्षेत्र भी दोनों को एक साथ साथ चलाते रहे। अध्यक्ष जी, राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई और इस गरिमामय पद तक पहुँचने के बीच का जो सफर रहा, कैसा अनुभव रहा? जीवन का पहला चुनाव ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय में छात्र संघ का लड़ते हुए, उसका पहले जो छात्र यूनियन बनती थी तो उसमें अध्यक्ष सचिव महामंत्री हुआ करते थे, तो पहला चुनाव 1972 में सेक्रेटरी का मैं लड़ करके जीता। फिर इसके बाद पहला जब नगर पालिका का चुनाव हुआ रीवा के भीतर, तो यहाँ भी चुनाव लड़ा हुआ था, नहीं जीता। फिर राजनीति में आगे बढ़ करके विधानसभा का पहला चुनाव 1980 में गुड़ से लड़ा, हार गया, फिर 85 में मनगमा आया तब हार गया, 93 लड़ा, 98 लगा, लगातार हारता रहा, फिर 2003 से आप देख ही रहे मनगमा जीता, फिर 2008 से देवतलाव से जीत रहे हैं। और इन 18 सालों के विधायकी के दरमियान, विधायक बनने के बाद प्रयास हमेशा ये रहा कि क्षेत्र का विकास का काम कर सकूं, लोगों का कल्याण का काम कर सकूं, उसी दिशा में लगा रहा और धैर्य धीरज के साथ बना रहा। पार्टी ने जब उचित समझा, मुख्यमंत्री ने उचित समझा, तो ये पद दे करके एक तरह से इस बात को प्रमाणित किया कि रीवा जिले में अकेली विधानसभा देवतालाब है जहाँ से 5 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अकेली विधानसभा रीवा में, बाकी सब में कोई 4 बार है ये करके, 5 बार केवल वहीं से है। तो ये भी है कि विधानसभा देवतालाब की बहुत दिन की इच्छा थी कि कुछ हमको मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री और संगठन ने देने का काम किया। छात्र जीवन से राजनीति शुरू ही आज यहाँ तक पहुँचे, हार भी मिली, जैसे आपने बताया कई हारें मिली, क्या चाहे कैसा हार से क्या सीख लेनी चाहिए लोगों को? आजकल हार के बाद लोग अलग अलग से तरह से रास्ते अपनाने लगते हैं, तो क्या कहना चाहिए, किस तरह से हार से आपको सीख मिली और आज यहाँ तक पहुँचे? केवल चुनावी राजनीति में नहीं, हर क्षेत्र के भीतर दो बातें हमेशा खासतौर नौजवानों को ध्यान रखना चाहिए, एक तो धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और कभी निराश नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि 100 दिन लोहार का, 100 दिन सोनार का चलेगा, 1 दिन लोहार का चलेगा, इस ध्येय को लेकर के लगातार जिस दिशा में जा रहे हो संघर्ष करते रहना। असफलता तो एक सीढ़ी है ना सफलता की ओर जाने का, ये मान करके संघर्ष करो, सफलता जिस क्षेत्र में संकल्प करोगे उसी क्षेत्र में मिलेगी। विंध्य क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि दो विधानसभा अध्यक्ष खासकर अपने मनगमा विधानसभा से मिले, पहले के कार्यकाल के विधानसभा काल कांग्रेस शासनकाल में था, आज वर्तमान में आप हैं, क्या ऐसा कुछ करना चाहेंगे कि हमेशा विधानसभा अध्यक्ष के जिस तरह से पद मिले लोगों को याद रहे? काम तो आपके वैसे भी पहले से यादगार है, तो क्या ऐसा विशेष मिला जब ये पद मिला कि ऐसा आया कि कुछ ऐसा अलग हट के किया जाए? काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा थी कि रीवा में सबसे ज़्यादा मरीज हमारे कैंसर के हैं, बहुत ज़बरदस्त उनका आंकड़ा हम देखेंगे तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, और उनको चिकित्सा के लिए या तो बॉम्बे जाना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है, यहाँ तक कि इलाहाबाद जाना पड़ता है, आर्थिक जो उस तरह की व्यवस्था हो नहीं पाती, खासतौर पर रिसर्च नहीं हो पाता, जिसके कारण दूसरे या तीसरे स्टेज में पता चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए मन का संकल्प है, मन का सपना है, एक कैंसर का अस्पताल की स्थापना प्राइवेट या सरकारी जो कुछ होती हो रीवा में हो जाए, तो शायद मैं ऐसा मुझे लगता है कि रीवा के चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा काम हो जाएगा, लोगों को बड़ी सहूलियत मिल जाएगी। ट्रेनों का मैंने बार बार प्रयास किया है कि और ट्रेन हमको मिले, हमारा कम्युनिकेशन और तेज़ हो, जाने की सुविधा और तेज़ मिले, इन सब दिशा में लगा हुआ हूँ। दूसरा ये है कि बाणसागर के पानी को हर क्षेत्र के भीतर हर खेत में पहुँचाने का जो संकल्प है उसको भी पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ, सरकार पूरी ताकत लगाए है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं।
आपके लिए तो पूरा प्रदेश विकास के लिए है, विकास के लोग कभी लगाए हुए महत्वपूर्ण है, लेकिन बिंद के होने के नाते अगर बिंद के विकास की बात करें तो खासकर रीवा जिले के विकास की बात करें तो आपने भी पहले कहा कि बड़ी बिल्डिंगें बना देने से, ओवर ब्रिज बना देने से, सड़कों का काम जिस चल रहा है, इसको विकास नहीं, विकास लोगों को रोजगार मिले, लोग मुख्य धाराओं से जुड़े, कितना संतोष है, क्या लगता है किस तरह से जो विकास हुआ अभी तक, तो आप किस दृष्टि से देखते हैं? रोजगार को हम दो दृष्टिकोण से देखते हैं। आज का नौजवान का अधिकांश भाग रोजगार को शासकीय नौकरी मानता है, वो शायद मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ रोजगार स्वावलंबन का भी जो काम होता है, स्वरोजगार जो होता है, छोटे छोटे जो व्यापार होते हैं, ये भी एक रोजगार है। और थोड़ा सा एक आदत में या उसके हिसाब से इस क्षेत्र के भीतर इस दिशा में हम कम सोचते हैं, हमको ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, उसी को रोजगार से जोड़ करके देखा जाता। तो मेरा आग्रह ये है कि सरकार, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार हमारे जो रोजगार चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं, उसका फ़ायदा लेना चाहिए हमको, और स्वयं का रोजगार पैदा करके 10 लोगों को और रोजगार देना चाहिए। इस दिशा में हम काम करेंगे तब जा करके अपन ये कह सकते हैं कि रोजगार की दिशा में कुछ काम हुआ है। आप बड़े स्पष्टवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, अच्छी साफ स्वच्छ राजनीति के पक्षधर रहे हैं शुरू से, जब से हम लोग जानने लायक हुए तब से। वर्तमान में जिस तरह से राजनीति होती है कि विरोधी है, आवाज़ उठाता है, परेशान करवा दो, आपने भी सहा है। हम लोग बहुत उस समय कम उम्र में थे, देखते थे कि जब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे जो विरोधी होते थे उनको फंसाते थे और आप उनका यहाँ तक कि न्यायालय में लड़ते थे, संघर्ष करते थे, आपके पास आते थे। अब ऐसी स्थितियाँ जो पर पार्टी पड़ती जा रही, उससे क्या आपको लगता है कि वो राजनीति सही दिशा में जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीति के दो आवश्यक तत्व हमेशा रहना चाहिए। राजनीति में अलग अलग विचारधाराओं के लोगों के बीच में मतभेद हो, मतभेद नहीं हो। मतभेद से व्यक्तिगत दुश्मनी पैदा होती, राजनीति में उसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा काम यह कि राजनीति में जब ताकत मिलती, ताकत मतलब पदों को सरकार की हिस्सेदारी जब मिलती है, स्वाभाविक है थोड़ा सा ताकत या क्षमता बढ़ती है। तो ये जो क्षमता बढ़ती है इसका उसी तरह से उपयोग करना चाहिए जिस तरह से कि बिजली के तार में जो करंट आता है उसको दो दिशा में उपयोग हो सकता है। किसी के शरीर में वो छू गया तो आदमी की मृत्यु या घटना हो सकती है, और उसी में बल्ब लगा करके हम जलाते हैं तो उसमें प्रकाश होता है। तो राजनीति में हमेशा बल्ब लगा करके जलाने का काम करना चाहिए, बहते हुए करंट को, उस ताकत को, उस एनर्जी को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है। अभी आने वाले समय में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, क्या लगता है कि किस तरह से आपको कुछ पहले से दिशा निर्देश दिए गए हैं, खासकर हर वर्ग को संतुष्ट करना होता है, दोनों पक्ष के लोग रहते हैं, खासकर विधानसभा में विपक्ष भी जब मजबूत हो, तो किस तरह से बजट सत्र रहने की संभावना है? इस बार का बजट जो है वाकई में चुनौतियों से पूर्ण होगा। उसका कारण ये है कि कोरोना काल की तमाम विभीषिकाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश के बजट आ रहे हैं जी। पर मुझे उम्मीद है कि इस बजट में कोरोना काल को बेअसर करते हुए लोक कल्याण के हित में जो भी बेहतरीन हो सकता है सरकार उस तरह का बजट लेकर के पेश करेगी। हालांकि आप पहले ही कह चुके हैं कि नौकरी के लिए शासकीय लोगों को आशाएं नहीं माननी चाहिए, सिर्फ शासकीय नौकरी ही मिले, रोजगार के भी दिए जा रहे हैं, लेकिन आने वाला चुनाव है, बेरोजगारी तो है ही है, मतदाता भी ज़्यादातर युवा वर्ग है, तो कुछ ऐसी योजना है क्या सरकार की या आपके द्वारा ऐसा निर्देश दिए गए हों कि सत्र में के चुनाव के पहले कुछ रिक्त पद जो हैं भरने की या कुछ ऐसा कुछ? नहीं हो रहा अभी तो, देखें अभी नौकरी शासकीय नौकरियां भी निकल रही हैं और कई जगह नौकरी शिक्षा के क्षेत्र में भर्ती हो रही है, पुलिस में भर्ती हो रही है, तमाम जगह भर्तियाँ हो रही हैं। इतना ज़रूर हुआ कि सरकार में पहले की सरकारों में फ़र्क ये आया है कि ये जो बीच में व्यापम हुआ वे गड़बड़ी छोड़ करके उसके अलावा उसी से सरकार सचेत हुई है। और अब आप देखते होंगे कि जिस तरह से पारदर्शी तरीके से जो भर्तियां होती हैं उसके जो बुराइयां होती तो उसको ज़्यादा हद तक दूर करने का प्रयास किया गया है। तो स्वाभाविक तौर पर नौकरियां निकली हैं, लोगों को मिलेगा, उसको चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं देखा कि चुनाव आएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करके मैं नहीं मानता हूँ। रोजगारों को आशाएँ रहती हैं कि नहीं ऐसा है, बहुत समय से नहीं निकली तो आई है, कई जगह आई है और तमाम जगह निकल रही है, और मुझे उम्मीद है कि शासकीय उसमें भी लोगों को अवसर मिलेगा। देखिए 5 राज्यों में चुनाव है, खासकर अपने सीमावर्ती यूपी और यहाँ, यहाँ के परिणाम से क्या लगता है कि आपको जो यहाँ के परिणाम आने वाले हैं तो जो मध्य प्रदेश में आगे चुनाव आएगा तो क्या उसमें कुछ असर डालेंगे? और इन 5 राज्यों में क्या है अपने भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि दोनों हर क्षेत्र का चुनाव अलग अलग होता है।
लोकसभा की तासीर अलग होती है, विधानसभा की तासीर अलग होती है, जिला पंचायत की अलग होती है, जनपद की, सरपंच की, वार्ड की, सबकी तासीर अलग अलग होती है। उसी तरह क्षेत्र या खंडवार भी चुनावों का असर अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश में क्या रिजल्ट आया, हम लोग यहाँ 2003 से हैं तो 2003 से उत्तर प्रदेश में 2003 के बाद सरकार नहीं आ गई, सरकार 2017 में आई, तो मध्य प्रदेश में हम लगातार आ रहे थे, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश के पक्ष में नहीं कर पा रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में रिजल्ट क्या आता उससे मध्य प्रदेश में कोई खास असर नहीं पड़ता है। हाँ, एक स्वाभाविक है, चूँकि पार्टी भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक केवल इस दिशा में उस विचार करने की आवश्यकता है कि जब ताकत बढ़ती है तो मनोबल कार्यकर्ता का बढ़ता है और वो तेज़ी से सक्रियता दिखाता है अपना, ये असर जरूर पड़ता है। बाणसागर के बांध के बाद किसानों की अच्छी स्थिति सुधरी, आपका भी बहुत अच्छा प्रयास रहा कटनी देवलाव में पानी के लिए पानी की व्यवस्था पहुँचे। अभी वर्तमान समय में क्या ऐसा लक्ष्य है कि सही पानी पहुँचे आपने क्षेत्रों में जहाँ नहीं पहुँच पाता, उद्योग के साथ साथ कृषि के बढ़ावने के लिए भी आपने प्रयास किया? अभी हमारे पास बहुत ही कैनाल का काम पेंडिंग है, इसीलिए बैलेंस वर्क का टेंडर निकला है। नई गढ़ी माइक्रो इरीगेशन से जो हम 450 गांवों को सिंचित करने वाले हैं, उसकी नहरों का काम, चूंकि वो अंदर जा करके फब्बारे से पानी निकाल करके खेतों में देना है पाइप से, उसका काम ज़्यादातर हो गया है। केवल मेन कैनाल बहुती कैनाल का यदि चला जाए तो हम वो पानी की शुरुआत कर सकते हैं। हमारा प्रयास यही कि टेंडर खुले, वो काम शुरू हो और ये बहुत ही कैनाल का नई गढ़ी तक पानी पहुंचे और उसके माध्यम से जो नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसमें पानी डाल करके लोगों खेत तक पानी पहुंचाने का काम करें। ये बड़ा टास्क है, इसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। आपने बहुत बिजी समय में हमको कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्पेशल कार्यक्रम विराट शख्सियत में हमारे साथ थे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी, जिनके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिली हैं। फिर हम आपको किसी विराट शख्सियत से कराएंगे रूबरू, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।